हमारे संगठन की नई जो कार्यकारिणी बनी प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, और उस दृष्टि से हमने जो महिला मोर्चा का जो जिला की हमारा यूनिट है जिसमें मंडल भी साथ में है, उनके साथ परिचय की दृष्टि से आज की ये बैठक रखी। और महिला मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो राजनीतिक दल में काम करते हैं, चाहे वो समाज में किसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण। और खास तौर से महिला आरक्षण 33% करने के पश्चात बहुत बड़ा उत्साह हमारी माताओं बहनों में है। लंबे समय से मांग थी, जिस मांग को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, बिल पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके अतिरिक्त अभी जो लोकसभा के आने वाले समय में जो चुनाव की तैयारी है उसमें हमारा महिला मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करे, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा उसमें जो झूठी गारंटी का है, जिसमें प्रदेश की हर महिला को कहा था कि दिसंबर महीने में चुनाव के परिणाम के पश्चात पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएगा। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।